हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको अडोब प्रीमियर प्रो बेसिक से बताने वाला हूं कि किस तरह अडोब प्रीमियर प्रो को ओपन करने के बाद कौन सी सेटिंग्स हैं जो आपको करनी होती हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो अडोब प्रीमियर प्रो को ओपन करने के बाद जो सबसे पहले इंटरफेस हमारे सामने आता है वो ये होगा। जो आपने रिसेंटली प्रोजेक्ट्स किए होंगे वो आपको यहाँ पर शो होंगे। यहाँ से आप किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन करके जहाँ पर आपने वो प्रोजेक्ट छोड़ा होगा उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपने कोई प्रोजेक्ट सेव किया हुआ है और उसको ओपन करना चाहते हैं तो आप इधर से ओपन प्रोजेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं और जो आपका काम होगा उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप न्यू प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं तो आप न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। ठीक है, मैं न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद एक नया इंटरफेस हमारे सामने आएगा। यहाँ पर आपने जो प्रोजेक्ट का नेम होगा वो आपने देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देता हूँ बेसिक। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर जो लोकेशन होगी वो आपने सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो मैंने जो फोल्डर था वो सेलेक्ट कर दिया है जिस जगह मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। उसके बाद वीडियो रेंडरिंग एंड प्लेबैक, इसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो आपके पास ये वाला ऑप्शन होगा, और अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ तो आपके पास ये ऑप्शन होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने सिस्टम में ग्राफिक कार्ड यूज़ करें। ग्राफिक कार्ड यूज़ करने के बाद आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। बहुत हेल्पफुल होता है ग्राफिक कार्ड प्रीमियर प्रो में काम करने के लिए। उसके बाद वीडियो डिस्प्ले फॉर्मेट में आपको टाइम कोड सेलेक्ट करना है, ऑडियो में आपको ऑडियो सैंपल्स, कैप्चर में आपको डीवी, एचडीवी आपको नहीं करना, आपको डीवी सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्क्रैच डिस्क में आपके पास यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली जो आपने यहाँ पर लोकेशन सेट की है वो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इंजन सेटिंग में भी आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ से सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमारे सामने एक नया इंटरफेस आएगा। ये पैनल्स हैं, यहाँ पर हमने जो प्रोजेक्ट होगा वो परफॉर्म करना होता है। तो अगर इसी वीडियो में मैंने आपको ये सारे पैनल्स जो हैं वो डिस्कस किए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि आपको बोर करूँ। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मैं आपको ये सारे पैनल्स स्टेप बाई स्टेप गाइड करूँगा कि किस पैनल का कौन सा काम है। तो आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।